एक बार की बात है, हीरा नगर नाम के एक गांव में चारू नाम की एक लड़की रहती थी। चारू अपने माता पिता की इकलौती और सबसे ज्यादा लाडली औलाद थी। चारू के माता पिता ने बचपन से उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, लेकिन अब उनकी लाडली बेटी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन चारू की मम्मी चारू से कहती है, चारू बेटा, कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का तो नहीं है ना? अगर है तो हमें बताओ। नहीं मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने भला आज तक आपसे और डैडी से कुछ छुपाया है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी बेटी की खुशियों का ध्यान रखूं। मैं और तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे थे, इसलिए हमने विचार किया कि हम तुमसे ये बात पूछ लें। क्या मम्मी, अभी मेरी शादी की उम्र थोड़ी ना हुई है। डैडी आप ही समझाइए ना मम्मी को। मैंने तुम्हारी मम्मी को बहुत समझाया। मैंने कहा कि अभी हमारी बेटी सिर्फ 28 की ही तो हुई है, लेकिन तुम तो जानती हो तुम्हारी मम्मी के आगे आज तक किसी की चली है भला। अपने पापा की बात सुनकर चारू हंसने लगती है। चारू शादी के लिए मान जाती है। चारू के पापा चारू के लिए एक सौरभ नाम का लड़का ढूंढते हैं। सौरभ का स्वभाव बहुत अच्छा था और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। चारू को भी सौरभ बहुत अच्छा लगा था। कुछ ही दिन में चारू और सौरभ की शादी हो जाती है। शादी के बाद चारू पहली बार ससुराल जाती है। उसका ससुराल वाला घर तो बहुत आलीशान था, नौकर चाकर की भरमार थी। चारू के ससुराल में उसकी एक सास, एक नंद और एक देवर भी थे। सास का नाम मनोरमा, नंद का नाम जूली और देवर का नाम कार्तिक था। चारू के पहुँचते ही मनोरमा आरती की थाल लेकर आती है और कहती है, अरे वाह सौरभ बेटा, बहू तो तू एक नंबर की लाया है, कितनी खूबसूरत है। पहले दिन ही अपनी बहू को नजर लगा दोगी क्या? चलो आरती उतारो अच्छे से। सौरभ की इस बात पर वहाँ खड़ी जूली कहती है, देखा माँ आपने, अभी तो भाभी ने घर में ठीक से कदम भी नहीं रखे और भैया चोरू के गुलाम हो गए हैं। बहुत लकी हो भाभी तुम, जो तुम्हारी इतने बड़े घर में शादी हुई है। यहाँ तो रहीसी से जीवन कटेगा तुम्हारा। जूली की इस बात को चारू मजाक समझकर टाल देती है। सारी रस्मों के बाद चारू अपने कमरे में जाती है। शादी में थक जाने के कारण चारू को नींद आ जाती है। सुबह सौरभ जल्दी ऑफिस चला जाता है। उसके बाद मनोरमा चारू के कमरे में जाती है और कहती है, अरे बहू रानी, अभी तक तुम्हारी सुबह नहीं हुई है क्या? ये तुम्हारा मायका नहीं है जो 12 बजे सोकर उठोगी। उठ के पूरे घर का काम करो, यहाँ सोने और रोटियाँ तोड़ने नहीं आई हो। अपनी सास की चिल्लाने की आवाज सुनकर चारू की झटके से आँख खुलती है। वो तुरंत बेड से खड़ी हो जाती है और बोलती है, माफ कर दीजिएगा मम्मी जी, वो थकान के कारण जल्दी आँख नहीं खुली। माफ़ी मांगने में अब अपना समय मत बर्बाद करो, जाकर खाना बनाओ, उसके बाद पूरे घर की सफाई करना, समझी? चारू को अपनी सास का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप खाना बनाती है और घर का सारा काम भी कर लेती है। शाम को चारू थकान के कारण बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जब सौरभ घर आता है तो वो अपनी पत्नी को लेटा हुआ देख उससे पूछता है, क्या हुआ चारू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, बस थोड़ी थकान है, आज पूरे घर का काम किया ना तो थक गई। क्या, पूरे घर का काम तुमने किया? किसी ने तुम्हारी मदद नहीं करवाई क्या? सौरभ की इस बात पर चारू उससे झूठ कह देती है। नहीं नहीं, मम्मी और दीदी ने थोड़ी मदद करवाई थी। आप चलिए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। चारू सौरभ के लिए खाना निकाल देती है। उसे पता था अगर वो सौरभ से अपनी सास और नंद की कोई भी शिकायत करेगी तो सौरभ उनसे लड़ पड़ेगा। घर में लड़ाई ना हो इसलिए चारू सौरभ से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और मनोरमा और जूली मिलकर चारू को घर की नौकरानी बना देते हैं। इतने बड़े घर का काम अकेले करने में चारू की हालत खराब हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी वो किसी से बिना कुछ कहे सारा काम चुपचाप कर लिया करती थी। एक दिन जूली मनोरमा से कहती है, मम्मी, भैया इस चारू की बच्ची से कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं करते? जब देखो उसकी साइड लेते रहते हैं। जब से चारू इस घर में आई है तब से भैया हमारी तो एक भी नहीं सुनते हैं। तो बिल्कुल सही कह रही है बेटी, ये लड़का बहुत बिगड़ गया है, इसके अकल ठिकाने तो लानी पड़ेगी। माँ, जहाँ तक मुझे लगता है भैया को भाभी से इतना प्यार इसलिए है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। अगर हम उनकी सुंदरता ही ना रहने दे तो भैया को खुद ब खुद उनसे नफरत हो जाएगी। अरे वाह, तू तो बिल्कुल सही कह रही है, तेरे इस आइडिया का तो कोई जवाब नहीं। तभी वहाँ सौरभ आ जाता है और कहता है,
क्या बातचीत चल रही है दोनों माँ बेटी में, जरा मुझे भी तो बताओ। अब हम माँ बेटी ही बात करेंगे, तू तो पूरा टाइम अपनी बीवी के पल्लू में घुसा रहता है, तेरे पास हमें देने के लिए वक्त कहाँ है। ओहो माँ, आपको तो पता है शादी के अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया है मैंने, अब कोई भी लड़की चाहेगी कि उसका पति उसे वक्त दे, और वैसे भी मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर है, उसके अलावा मुझे आजकल कोई कहाँ अच्छा लगता है। सौरभ की बात सुनकर मनोरमा और जूली वहाँ से उठकर चले जाते हैं। ये सब देखकर सौरभ खुद से ही कहता है, ये लो जी अब मैंने इन्हें क्या कह दिया, खैर जो भी हो मैं तो चला अपनी खूबसूरत बीवी के पास। सौरभ की इस हरकत से मनोरमा और जूली को बहुत गुस्सा आता था और वो इन सब की वजह चारू को मानती थी। एक दिन जूली किचन में गैस खुला छोड़ देती है और किचन में कुंडी लगा देती है ताकि गैस की बदबू बाहर तक ना आ सके। थोड़ी देर बाद मनोरमा चारू को बुलाती है और कहती है, बहू रानी मेरे लिए जरा एक कप चाय बना दो। मेरे लिए भी बना देना भाभी। चारू किचन में चाय बनाने चली जाती है, उसको वहाँ पर कुछ बदबू आती है। वो सोचती है, ये बदबू कैसी आ रही है, ओहो ये सारी सब्जियाँ तो खराब हो गई है, इसी की बदबू आ रही होगी, पहले सासू माँ के लिए चाय बना देती हूँ फिर इसको फेंक दूंगी। ऐसा सोचकर चारू गैस जलाती है, गैस जलाते ही उसके ऊपर आग का एक बहुत बड़ा भभका आता है और उसका चेहरा बहुत बुरी तरह जल जाता है। चारू तड़पने लगती है। चारू की सास और नंद तुरंत सौरभ को फोन करते हैं। सौरभ के घर आते ही मनोरमा रोने का नाटक करके कहती है, बेटा बहू ने किचन में गैस खुला छोड़ दिया था, इसी वजह से वो जल गई। हमें माफ कर दे बेटा, हम ध्यान नहीं दे पाए। माँ अब चारू कैसी है, मैं जा रहा हूँ उसे देखने। सौरभ कमरे में जाता है, चारू का चेहरा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारू ये तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बहुत बेकार दिखने लगी हो, तुम्हारी खूबसूरती तो खत्म हो गई। मुझे खुद नहीं पता जी मेरे साथ ये सब कैसे हो गया, देखिए ना मेरा चेहरा कितना बुरा दिख रहा है। सौरभ कमरे से बाहर आ जाता है और बाहर सोफे पर सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी वहाँ मनोरमा और जूली आती है। जूली कहती है, भैया आप चिंता मत कीजिए, भाभी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हाँ लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा दाग रह जाएगा, अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रहेंगी। तभी मनोरमा कहती है, तेरी खूबसूरत बीवी अब खूबसूरत नहीं रही, मेरी बात मान तो अब इसको घर से निकाल दे। तू खुद सोच, तू सुबह सुबह उठेगा और तेरी नज़र इतनी बदसूरत लड़की पर जाएगी तो तेरा दिन कितना बुरा रहेगा। मेरी बातों को गलत मत समझना बेटा, लेकिन एक माँ के नाते मैं तुझे समझा रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। अपनी माँ और बहन की बातें सौरभ के दिमाग में घूमने लगती है। वो चिंता के कारण ढेर सारी शराब पी लेता है और अपनी माँ और बहन की बातों में आकर चारू को घर से निकाल देता है। चारू बहुत मिन्नत करती है लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आती। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अगर मैं इस हाल में मम्मी पापा के पास गई तो वो मेरी हालत देख नहीं पाएंगे। पापा तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सासू माँ और दीदी से तो मुझे ये उम्मीद थी लेकिन सौरभ जी से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। चारू इधर उधर भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और अपनी किस्मत को कोसते हुए खूब रोने लगती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, क्या बात है बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? कौन बोल रहा है? जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी हो मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ बेटी, तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है तुम्हें? चारू पेड़ को सारी बात बताती है। पेड़ को सब कुछ सुनकर चारू के लिए बहुत बुरा लगता है। वो चारू से कहता है, अब तुम्हें उस नर्क में जाने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, अब तुम मेरे साथ यही रहोगी इस पेड़ के ऊपर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, पेड़ पर कोई इंसान कैसे रह सकता है? चारू की ये बात सुनकर पेड़ अपने ऊपर एक आम का घर प्रकट करता है और कहता है, तुम इस आम के घर में रहोगी बेटी, ये घर जादुई है, ये बाहर से दिखने में जितना छोटा है अंदर से उतना ही आलीशान है, तुम्हें इसके अंदर अपने जरूरत की सारी चीजें मिलेंगी और तुम्हारा जला हुआ चेहरा भी इसके अंदर जाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चारू खुशी खुशी आम के घर के अंदर जाती है। अंदर से आम का घर सच में बहुत खूबसूरत था। अंदर जाते ही चारू का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो पहले जैसी खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद चारू उसी घर में अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। एक दिन वो देखती है कि उसका पति उसी जंगल में भटक रहा है। चारू उसको पहचान जाती है लेकिन वो चारू को नहीं पहचान पाता। चारू उसके पास जाती है और कहती है, आप इस तरह यहाँ क्यों भटक रहे हैं और आपकी ये हालत कैसे हुई?
मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने शराब के नशे में और अपनी माँ और बहन के भड़कावे में आकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। चारों की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहती है, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही हूँ आपकी चारों। अरे सच में, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, मुझे लगा तुम्हारे चेहरे पर दाग होगा। नहीं, वो दाग तो ठीक हो चुका है। उसके बाद चारों पेड़ के जादुई आम के घर के बारे में सौरभ को सब बताती है। फिर दोनों मिलकर उसी घर में अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। ये कहानी रेखा के परिवार और सरिता के परिवार की है। रेखा और सरिता देवरानी जेठानी थे। रेखा जेठानी थी और सरिता देवरानी। रेखा के पति का अपना बिजनेस था जिससे उन्हें खूब मुनाफा होता था, जिस कारण रेखा और उसका परिवार बहुत अमीर थे। इसके विपरीत सरिता का पति एक किराए का ई रिक्शा चलाता था और सरिता दूसरे घरों में सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी। वो दोनों पति पत्नी मिलकर अपना खर्चा चलाते थे। रेखा सरिता का बहुत फायदा उठाती थी। सरिता सुबह दूसरे लोगों के घरों में काम करती थी तो वहीं दोपहर में उसकी जेठानी उसे अपने घर में कामों में लगा लेती थी। दोनों के घर पास में ही थे इसलिए रेखा अक्सर सरिता को अपने घर के काम के लिए बुला लेती थी। एक दिन जब सरिता रेखा के घर पर थी तो रेखा ने कहा, सरिता मेरे साथ मार्केट चलेगी क्या? बहुत सारा सामान लाना है, तुझे तो पता है ना नवरात्रि शुरू हो रही है, उसी की शॉपिंग करनी है। ठीक है दीदी, चलिए मैं भी चलती हूँ। सरिता और रेखा बाजार चले गए। भैया, एक किलो कुट्टू का आटा और एक किलो सिंघाड़े का आटा, साबुदाना, सेंधा नमक ये सब पैक कर दो। और ये चिप्स व्रत वाले हैं क्या? हाँ हाँ बहन जी, यहाँ पर सारा सामान व्रत वाला ही रखा हुआ है। तो फिर ये व्रत वाली नमकीन और चिप्स ये सभी 5-5 पैकेट पैक कर दो। अरे सरिता, तू क्यों नहीं कुछ खरीद रही है? तू भी तो नवरात्रि का व्रत रखती है ना? नहीं दीदी, हम लोग व्रत में इतना सब कुछ नहीं खाते हैं। मैं बस थोड़े से आलू और शकरकंदी लेकर उबाल लूंगी, वही खा लेती हूँ मैं। अच्छा चल ठीक है, भैया ये सारा सामान पैक कर दो और ये लो आपके पैसे। सरिता, ये सारे थैले तू उठा लेगी क्या? हाँ हाँ दीदी लाइए, मैं उठा लेती हूँ। सरिता थैले उठा लेती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी दुकान से बाहर निकल जाती है। फिर रेखा कहती है, बस त्योहार आने की देर है, पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। तुम्हारे जेठ जी से कल ही मैंने 20,000 रुपए लिए थे कि नवरात्रि पूजन के लिए काम आएंगे, कन्या पूजन में देने के लिए सामान भी तो खरीदना है। अरे वो देख बर्तन की दुकान, वहाँ चलते हैं। मैं सोच रही हूँ इस बार कन्याओं को स्टील की प्लेट दे दूँ। हाँ चलिए ना दीदी। उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी बर्तन की दुकान में चली जाती है। दुकान में जाने के बाद रेखा दुकानदार से कहती है, अरे भैया कन्या पूजन में देने के लिए एक स्टील के प्लेट का सेट दे दो। सरिता, तू कुछ नहीं खरीदेगी कन्याओं को देने के लिए? नहीं दीदी, अभी नहीं, आप खरीद लीजिए। रेखा सारा सामान ले लेती है और फिर दोनों घर को आने लगती हैं। रेखा अपना सारा सामान सरिता को ही पकड़ा देती है और खुद खाली हाथ चलने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचने के बाद रेखा सरिता से कहती है, सरिता इन थैलों को पूजा रूम में रख दे और हाँ, फ्रिज में कल का खाना रखा हुआ है, लेती जाइयो, तेरे बच्चे खा लेंगे। और सुन ना, जाने से पहले दोनों कमरे की बेडशीट बदलनी है, बदल दे, इतने दिन से सफाई कर करके थक चुकी हूँ। काम वाली बाई मिल ही नहीं रही है, मैं तुझे ही काम पर रख लेती, लेकिन फिर लोग क्या कहेंगे कि अपनी देवरानी से घर का काम कराती है, इसलिए मैंने तुझे नहीं रखा हुआ है। रेखा द्वारा बताया हुआ सारा काम खत्म करके सरिता बच्चों के लिए खाना लेकर घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद नवरात्रि शुरू हो जाती है। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने घर में दुर्गा माँ की स्थापना करती हैं। सरिता अपनी गरीबी के अनुसार थोड़ा बहुत भोग दुर्गा माँ को चढ़ाती थी और प्रसाद के रूप में वही खाकर रह जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ रेखा रोजाना ही व्रत के पकवान बनाती थी। इसी तरह नवमी का दिन आ जाता है। नवमी के एक दिन पहले सरिता अपने पति से कहती है, सुनिए ना जी, कल नवमी है, मैंने कन्या पूजन का कोई सामान नहीं खरीदा है, आप काम पर से वापस आते समय कन्या पूजन का सामान लेते आइएगा। ठीक है सरिता, तुम चिंता मत करो, मैं काम से वापस आते समय कन्या पूजन का सारा सामान ले आऊंगा।
ऐसा कहकर सरिता का पति काम पर चला गया। उसने पूरा दिन ई रिक्शा चलाया और उसकी जो भी कमाई हुई उसमें से उसने आधे पैसे रिक्शे का किराया दे दिया और जो पैसे बचे उससे कन्या पूजन का सामान खरीद कर अपने रिक्शे की पिछली सीट में रख कर घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसको दो सवारी मिली, उन्होंने उसको हाथ दिया था। भैया आप हम दोनों को थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे क्या? रात हो गई है, यहाँ कोई रिक्शा वाला दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ मैं इसी रास्ते से घर जा रहा हूँ, आप दोनों बैठ जाइए, मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। सरिता के पति ने दोनों लड़कियों को अपनी रिक्शा में बिठा लिया और उन्हें घर छोड़कर अपने घर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पिछली सीट पर देखा तो उसके सामान की थैली गायब थी। सरिता का पति समझ गया कि आखिर में जो दो लड़कियां बैठी थी उन्होंने ही उसका सामान उठा लिया। वो अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने सारी बात सरिता को बताई। सारी बात जानकर सरिता भी परेशान हो गई कि आखिर अब वो लोग कन्या पूजन का सामान कैसे खरीदेंगे। सरिता ने मुश्किल समय के लिए कुछ पैसे रखे हुए थे, उसी से वो कन्या पूजन का सामान ले आई। अगले दिन सरिता ने प्रसाद बनाया और माँ दुर्गा को भोग लगाकर कन्याओं को लेने जैसे ही बाहर गई, तभी उसकी जेठानी रेखा ने उसे आवाज लगाई। अरे सरिता, जरा मेरे घर आकर मेरी मदद कर दे, मेरे घर सारी कंजक आ गई है, मैं इनको खिला देती हूँ, फिर तू इन्हें ले जाना। ठीक है दीदी, मैं अभी आती हूँ। सरिता रेखा के घर उसकी मदद के लिए चली जाती है। तभी रेखा कन्याओं से कहती है, सुनो नौ कन्या से एक भी कन्या ज्यादा मत आना। अरे लड़की तुम ज्यादा हो रही हो, तुम बाहर खड़ी हो जाओ, मैं 12 प्लेट लाई थी, 9 बांट कर बाकी सब घर में रख लूंगी। ऐसा कहकर रेखा चुन चुन कर 9 कन्याओं को ही भोजन करवाती है। रेखा सबको भोजन करवाती है, उसके बाद उसके घर का सारा प्रसाद खत्म हो जाता है। तब रेखा सरिता से कहती है, अरे सरिता प्रसाद बचा ही नहीं, इसलिए मैं तेरे घर नहीं भिजवा पाऊंगी। कोई बात नहीं दीदी, मैंने अपने घर में भी प्रसाद बना रखा है, यहाँ सभी कन्या को पूरा हो गया, यही बहुत अच्छी बात है। अब मैं इन बच्चों को अपने घर ले जाऊं, इन्हें भी देर हो रही होगी। अरे तू ये सारी कन्या ले जाएगी, मैंने तो इनमें से गिन चुन कर 9 कन्या ही बिठाई थी, तू भी 9 ही ले जा वरना तेरा खाना खत्म हो जाएगा। नहीं भाभी, माँ दुर्गा की कृपा से जितना बनाया है सब पूरा हो जाएगा, क्योंकि कन्या 9 हो या 12 कन्या तो कन्या होती है, बिना प्रसाद दिए मैं किसी को वापस नहीं भेज सकती। चल ठीक है तेरी मर्जी, ले जा इन सभी कन्याओं को अपने घर। सरिता सारे बच्चों को अपने घर ले जाती है। इतनी सारी कन्याओं को देखकर सरिता का पति कहता है, सरिता इतनी सारी कन्याओं के लिए प्रसाद पूरा हो जाएगा क्या? क्योंकि मुझे कन्याएं बहुत ज्यादा लग रही है। आप टेंशन क्यों लेते हैं जी, माँ दुर्गा की इच्छा होगी तो जरूर पूरा हो जाएगा। अरे बच्चों सारे मिलकर माता रानी की जय बोलो, जयकारा शेरवालिदा, बोल साचे दरबार की जय। सरिता माँ दुर्गा का नाम लेकर घर में आई सभी कन्याओं के लिए प्रसाद निकालने लगती है। तभी कुछ साधु संत भी द्वार पर आ जाते हैं। बेटी आज दुर्गा पूजन का दिन है, हम लोगों को भी भोजन करवा दो। साधु बाबा की आवाज सुनकर सरिता का पति सरिता से कहता है, सरिता द्वार पर साधु संत आए हैं और हमारा भोजन भी बहुत कम है, अब क्या होगा? हे दुर्गा माँ, आप तो अंतर्यामी हो, मैं आपका नाम लेकर प्रसाद बांट रही हूँ, मेरे प्रसाद में बरकत देना, जय दुर्गा मैया। सरिता की प्रार्थना माँ दुर्गा तक पहुँच जाती है। माँ दुर्गा अपने आशीर्वाद से सरिता द्वारा बनाए गए प्रसाद में बढ़ोतरी करने लगी। सरिता बर्तन में हलवा पूरी चने निकाल रही थी तो वहीं माँ दुर्गा अपने चमत्कार से बर्तनों को फिर से भर दे रही थी। सरिता मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी। बहुत अच्छे से सरिता और उसके पति ने मिलकर कन्या पूजन किया और साथ में साधु संतों ने भी भरपेट प्रसाद खाया। सभी लोग सरिता के भोजन से तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देकर खुशी खुशी उसके घर से गए। ये सब देखकर सरिता बहुत खुश हुई। हे दुर्गा मैया, मैं जानती हूँ ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है, आपके चमत्कार से मेरे बर्तन खाली ही नहीं हुए। तुम सही कह रही हो सरिता, माँ दुर्गा की शक्ति अपार है। एक पल के लिए तो मैं बहुत डर गया था कि ना जाने अब क्या होगा, लेकिन देखो बर्तन अभी भी प्रसाद से भरे हुए हैं। आपको क्या लगता है ये सब दुर्गा माँ के चमत्कार के बिना हो सकता था क्या? नहीं सरिता, कभी नहीं हो सकता था। अच्छा आप और बच्चे मिलकर प्रसाद खाओ, तब तक मैं दीदी को भी प्रसाद देकर आती हूँ। सरिता प्लेट भर प्रसाद लेकर रेखा के घर गई। सरिता का प्रसाद देखकर रेखा हैरान रह गई। अरे सरिता, तूने तो थोड़ा सा प्रसाद बनाया था,
फिर इतनी सारी कन्याओं को खिलाने के बाद भी तेरा प्रसाद बच गया? ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मैंने तो ढेर सारा प्रसाद बनाया था, फिर भी हम घर के लोगों को ही पूरा नहीं पड़ा। कुछ लोग प्रसाद मांगने आए तो मैंने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। तेरा थोड़ा सा प्रसाद सब में कैसे पूरा हो गया? दीदी, सब कुछ माँ दुर्गा की कृपा से हुआ है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप ये सब प्रसाद खा लीजिएगा। अगर और चाहिए होगा तो मुझसे मांग लीजिएगा। सरिता अपनी जेठानी को प्रसाद देकर घर लौट आती है। उस दिन माँ दुर्गा की कृपा से सचमुच सरिता के भंडार भर गए। धीरे धीरे उसके पति के काम में भी वृद्धि होने लगी और अब उनकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हो गया। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, वो ये थी कि सरिता ने निस्वार्थ भावना से 9 दिन दुर्गा माँ की सेवा करी और बहुत ही प्यार से नवमी की पूजा की। भगवान तो प्रेम के ही भूखे होते हैं। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से भगवान का पूजन करता है, भगवान सदैव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं और उसके ऊपर कभी संकट नहीं आने देते। जैसी सच्चे भावना से सरिता ने दुर्गा माँ की पूजा की तो दुर्गा माँ ने उसकी मदद की। उस दिन के बाद से सरिता अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। किसी गांव में अमीना अपनी 2 बेटियों के साथ हंसी खुशी रह रही थी। एक दिन अमीना काम करके घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक डॉल पड़ी हुई मिलती है। ये डॉल तो बहुत सुंदर और महंगी लग रही है, लगता है कोई अमीर बच्चा गिरा कर चला गया। आसपास तो मुझे कोई नजर भी नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, ये डॉल मैं अपनी छोटी बेटी इशिता के लिए लेकर जाती हूँ, वो डॉल देखेगी तो बहुत खुश होगी। अमीना डॉल उठा लेती है और उसे अपने साथ घर लेकर जाती है। अमीना अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है, निकिता इशिता दोनों इधर आओ। निकिता और इशिता अमीना के पास आती है। इशिता ये देख, मैं तेरे लिए डॉल लेकर आई हूँ। ये तो बहुत सुंदर है, वैसे भी कल मेरा जन्मदिन था और मेरे सारे दोस्त हर साल मेरा मजाक बनाते थे कि आप मुझे जन्मदिन पर कुछ भी गिफ्ट नहीं देती हो। इस बार मैं अपने दोस्तों को ये डॉल दिखाऊंगी और कहूंगी मेरी माँ ने दिया है। इतना बोलकर इशिता डॉल लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद निकिता कहती है, माँ आप इसके लिए डॉल लेकर आ गई और मेरे लिए कुछ नहीं, आपने कभी भी मुझे भी तो गिफ्ट नहीं दिया है। निकिता मैं उसके लिए डॉल खरीद कर लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे रास्ते पर पड़ी हुई मिली थी। अगर खरीद कर लाना होता तो मैं नहीं ला पाती, क्योंकि मेरे पास महंगी डॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसके बाद अमीना अपने घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन अमीना खेत में काम करने जाती है। खेत में उसे सांप काट लेता है। उसी वक्त अमीना की मौत हो जाती है। दोनों बहनों तक ये बात पहुंचती है और दोनों बहुत रोती है। गांव वाले मिलकर अमीना का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिनों तक दोनों बहनें घर के बचे कुचे राशन से अपना गुजारा कर लेती है। तभी एक दिन उनके मामा सूरज घर आते हैं। मैं तुम दोनों को अपने घर ले जाने आया हूँ, तुम दोनों अपना सारा सामान पैक कर लो। दोनों बहनें अपना सारा सामान पैक कर लेती है और मामा जी के साथ उनके घर चली जाती है। दोनों बहनों को देख उनकी मामी मंजरी और उनकी बेटी अकीरा बहुत चिढ़ जाती है। सूरज मंजरी से कहता है, मंजरी मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों बहनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। भगवान की दया से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए ये दोनों बहनें यहीं रहेंगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इन दोनों को अपना लो। मंजरी को समझाने के बाद सूरज दोनों बहनों से कहता है, अब से ये घर तुम्हारा ही है, मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन तुम दोनों अपना ध्यान अच्छे से रखना और किसी चीज की कमी हो तो मुझे फोन करके बता देना। अगले दिन सूरज शहर चला जाता है। मंजरी और अकीरा दोनों बहनों से बिल्कुल बात नहीं करती थी। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। इशिता मंजरी के पास जाती है। मामी मेरी चप्पल टूट गई है, आप मुझे चप्पल दिला दो ना। ओहो, महारानी को नहीं चप्पल लेनी है, मैं नहीं दिलाने वाली तुझे कोई चप्पल। मामी बिना चप्पल के मैं बाहर कैसे जा पाऊंगी इतनी धूप में, आप मुझे हमेशा दुकान के काम से भेजती रहती हो, अगर मैं नहीं गई तो कौन जाएगा। जाएगी तो तू ही, चाहे कितनी भी धूप क्यों ना हो तू बाहर जाएगी, वो भी बिना चप्पल के। तभी वहाँ अकीरा आती है।
मम्मी मेरी दोस्त ने एक पार्टी रखी है, मेरे पास जितने भी सैंडल है वो सब पुरानी हो गई है, आप मुझे सैंडल खरीदने के पैसे दे दो। मंजरी तुरंत अकीरा को 2,000 रुपए सैंडल खरीदने के लिए दे देती है। सैंडल के पैसे लेकर अकीरा वहाँ से चली जाती है। मामी आपने अकीरा दीदी को 2,000 रुपए दिए और मुझे 200 की चप्पल भी नहीं दिला सकी। मेरे पति ने तुम दोनों मनहूस बहनों से प्यार से बात क्या कर ली? तुम दोनों तो मेरे सिर चढ़ने की कोशिश कर रही हो, अपनी औकात में रह वरना तुम दोनों की औकात दिखाना मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी दीदी को क्यों कुछ कह रही हो? उन्होंने कुछ कहा है क्या अभी आपसे? जो कहा है मैंने कहा है, इसलिए मुझे बोलो। इशिता की ये बात सुनकर मंजरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी पिटाई करने लगती है। तभी वहाँ पर निकिता आती है। मामी मत मारो मेरी बहन को, वो छोटी है, उससे गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जब मैंने इसे चप्पल दिलाने से मना कर दिया था तो ये होती कौन है मेरी और मेरी बेटी के बीच में बोलने वाली? अगर आज के बाद कभी इसने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो इसके हाथ पैर तोड़कर हमेशा के लिए इसका जीवन नर्क बना दूंगी। इतना बोलकर मंजरी वहाँ से चली जाती है। निकिता इशिता को गले से लगाकर चुप करवाने लगती है। ये मामी बहुत गंदी है, इससे अच्छा तो हम अपने घर में रहती, अगर भूखे मरना होता तो वही मर जाती, यहाँ आकर भी तो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। चुप हो जा, अब हमारी नियति में यही लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं? मामी की छोड़, मामा तो अच्छे हैं ना? मामा अच्छे हैं तो क्या वो कौन सा यहाँ रहती हैं? उन्हें तो पता होगा ना कि मामी कैसी है, फिर भी वो हम दोनों को इस गंदी औरत के पास छोड़कर क्यों गए? ऐसे नहीं बोलते इशिता, चुप हो जा, देखियो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह दोनों बहनों का जैसे तैसे दुखों के साथ जीवन यापन हो रहा था। एक दिन मंजरी ने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करवाया था। मंजरी दोनों बहनों से कहती है, आज घर में खाना नहीं बनेगा क्योंकि आज मैंने बाहर से खाना ऑर्डर करवाया है। अरे वाह, तू क्यों इतना खुश हो रही है? तुम दोनों के लिए नहीं मंगवाया है। फिर हम दोनों क्या खाएंगे? अगर आज एक वक्त नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, चुपचाप पानी पीकर अपने कमरे में जाओ। दोनों बहनें अपने कमरे में जाती है और खुद में बातें करने लगती है। दीदी हमने घर के सारे काम किए और अभी हमें खाना भी नहीं मिल रहा है, मामी तो दिन पर दिन और बुरी होती जा रही है। इशिता हम सिर्फ अपने माता पिता पर हक जता सकते हैं और किसी पर नहीं, दूसरों के घरों में हमें वैसे ही रहना पड़ता है जैसा वो चाहे, ये हमारा घर नहीं है। लेकिन दीदी ये गलत है, आप तो ये मान कर बैठ गई हो, जो हो रहा है होने दो, लेकिन हमें अब सब कुछ बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये कि अब हम ये घर छोड़कर जाएंगे और बाहर हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं रहेंगे। बाहर कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, ये सब बाद में देखेंगे, पहले हम घर का सारा काम करते थे तो हमें वक्त पर खाना मिल जाता था, लेकिन आज तो मामी ने हमें एक वक्त का खाना भी नहीं दिया और क्या पता आगे चलकर कई दिनों तक खाना ना दे, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम यहाँ से अपना सारा सामान लेकर जाएंगे तो मामी को पता चल जाएगा और वो हमें नहीं जाने देंगी क्योंकि हम उनकी मुफ्त की नौकरानी है। हम यहाँ से अपना कोई भी सामान लेकर नहीं जाएंगे, मैं बस माँ की दी हुई डॉल लेकर जाऊंगी। उसके बाद इशिता अपनी माँ की दी हुई डॉल निकाल लेती है। दोनों बहनें खिड़की के रास्ते से छुपकर वहाँ से निकल जाती है। दोनों बहुत देर तक कड़ी धूप में चल रही थी, आखिरकार थक कर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। इशिता अब तो मेरे में चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। अरे दीदी आप तो बहुत जल्दी थक जाती हो, आपको पता है थोड़ा आगे चलकर एक बहुत ही घना जंगल है और वहाँ एक बहुत सुंदर बगीचा है, मुझे उस बगीचे तक जाने का रास्ता पता है लेकिन उसके अंदर कभी नहीं जा पाई। आज हम दोनों बगीचे के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर आराम कर लेती हैं फिर चलेंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद इशिता निकिता को बगीचे तक लेकर जाती है। इशिता ये बगीचा तो बहुत सुंदर है लेकिन मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए, कुछ खतरा भी हो सकता है। इतने सुंदर बगीचे में क्या खतरा हो सकता है दीदी, आप कितना डरती हो, चलो अंदर चलते हैं, जब वो खलनायक मामी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो और कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा, चलो जो होगा हम अंदर देख लेंगे। उसके बाद दोनों बहनें बगीचे के अंदर जाती है और बगीचे में घूमने लगती है। दोनों बहनें गुलाब के फूल के पास खड़ी थी तभी अचानक वहाँ एक परी आ जाती है। कौन हो तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगीचे के अंदर आने की? ये मेरा बगीचा है और यहाँ सिर्फ परियाँ आ सकती हैं। तुम दोनों को मैं कड़ी सजा दूंगी।
नहीं परी, हमें सजा मत देना। वैसे ही दुखों से हमारा जीवन बीत रहा है, अब हम और दुख नहीं सह सकते। क्या हुआ? उसके बाद निकिता परी को सब कुछ बता देती है। ये सब सुनने के बाद परी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। तभी परी की नज़र इशिता के हाथ की डॉल पर जाती है। सुनो लड़की, अपनी ये डॉल मुझे दो। इशिता परी को डॉल दे देती है। परी डॉल के अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ डाल देती है। मैंने इसमें कुछ जादुई शक्तियाँ डाल दी है, अब तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। अब तुम दोनों को अपनी बुद्धिमता से इन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुमने ज्यादा लालच किया तो जादुई शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। दोनों बहनें परी को धन्यवाद करती है और बगीचे से बाहर आ जाती है। दोनों बहनें बहुत खुश थी। अच्छा हुआ ना दीदी, मैं जबरदस्ती आपको यहाँ ले आई। अगर मैं आपको यहाँ नहीं लाती तो परी हमें कभी नहीं मिलती और ना ही वो हमारी मदद करती। हाँ सही कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दीदी, परी ने लालच करने से मना किया है, इसलिए हम सबसे पहले डॉल की जादुई शक्तियों से एक घर लेंगे ताकि हम उसमें रह सके, और फिर डॉल की मदद से बुटीक की दुकान खोलेंगे। उसके बाद हम दोनों बुटीक में काम करके अपना गुजारा करेंगे। उसके बाद इशिता डॉल से एक घर मांग लेती है। उन दोनों के सामने एक बड़ा सा घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों एक बुटीक की दुकान मांगते हैं। उनके घर के पास ही एक बड़ा सा बुटीक की शॉप बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह बिना लालच किए बुद्धिमता से दोनों जादुई डॉल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक दोनों बहनों को ढूंढते ढूंढते मंजरी उनके घर पहुँच जाती है। कहाँ चली गई थी तुम दोनों? तुम्हें पता भी है मैंने तुम दोनों को कितना ढूंढा है। क्यों ढूंढ रही थी आप हमें? हाँ, शायद कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं मिल रही होगी ना। मेरे घर से जाकर कौन सा तू हंसी खुशी रहने लग गई? यहाँ भी तो इतने बड़े घर में तुम दोनों झाड़ू पोछा ही कर रहे हो। ये हमारा खुद का घर है। ये सुनकर मंजरी बहुत हैरान हो जाती है। क्या, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपका ये जाना जरूरी नहीं है। आप हमें ढूंढने आई थी, हम आपको मिल गए। हम दोनों आपके साथ जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ से चली जाओ। अगर आप प्यार से नहीं जाओगे तो हम पुलिस को बुला लेंगे। धमकी सुनकर मंजरी वहाँ से चली जाती है। जाते जाते मंजरी अपने मन में सोचती है, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। अच्छी खासी मेरे घर में दो मुफ्त की नौकरानी थी। मेरे घर से निकलते ही इनके साथ तो इतना अच्छा हो गया, और मुझे खुद घर के काम करने पड़ेंगे या नौकरानी को बहुत पैसे देने पड़ेंगे। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरह दोनों बहन के जीवन में सब कुछ ठीक हो गया था और दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे।